ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਮੈਨ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਤਾਰਾਂ ਤੇ तो उन्हें तारा तो ही सारा कुछ असला भी आई जाता उन्हें तारा तो ही नशा भी रोज बढ़ी जाता उन्हें तारा तो ही थोड़ी समगलिंग भी जी चलती है पहले वह तो रोक लो यदा मतलब पंजाबियों के उत्ते साड़ी देशभगती के उत्ते उन्होंने शक हो गया जिन्हें असी आजादी तो आई जेडे तोपा के गोले अगे खड़े हो गए इंदिरा गांधी कतर के आई थी उन्हें 16 किलोमीटर की पट्टी बना के पंजाब जरा बार्डर उन्होंने वसाया सी चप्पन साहब तुम 65 की लड़ाई लड़ी सी मैं 65 की लड़ाई देखी है जिन्हें तुम देखो 65 की लड़ाई देखी है तुम याद होना उतो डेरा बाबा नानक तो उठ के सारे रात अलीवाल पहुंचे और तारा वेखो जितों हर रोज असला आता और तारा वेखो जितों हर रोज नशा निकलता फिर कितने पंजाब की गल करो साड़ी पंजाब पुलिस जो तो शक करते मैं कहना चाहता इन्हों पंजाब पुलिस ने साढ़े पंजाबियों ने जरा अतवाद खत्म किया किसी देश में भी पूरे खत्म होया साढ़े पंजाब पुलिस ने साढ़े पंजाबी ने वो अतवाद खत्म करता साड़ी देशभगती जे असी बॉर्डर के उत्ते बैठे हाँ तो असी अपने बॉर्डर की हिफाजत करके बैठे हाँ असी अपने हिकां ताण के उत्ते बैठे हाँ जो नौजवानी की कोई हुदा उत्ते शहादत होंगी है तो अज कि फोटो आती है कल उत्थे पुलिस दे विच होया कि चार साढ़े सिख पंजाबियों की उत्थे शहादत हुई है कि अज मोदी साहब किन्ना कु वेखणा साडी शहादतां करा दी अजे भी शक दे घेरे च आ केंद्र सरकार वालों पंजाब दे सरहदी इलाकियां च बीएसएफ दा दायरा वधाउण दे फैसले दा मामला लगातार भगदा जा रहा जिसनों उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने केंद्र सरकार नूं लम्मे हत्थी लिया रंधावा ने आख्या कि केंद्र यह गलत ढंग नाल अपना कब्जा पंजाब ते कर रही है अते इस दे नाल ही उन्हां कहा कि यही पंजाब दे सरहदी खेतरां च देश दी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बॉर्डर पट्टी बना लोकां नूं वसाया सी अते जदकि पहला भी भाजपा ने इन्हां लोकां दे उस अधिकार नूं खोया सी अते हुण तां देश दे प्रधानमंत्री पंजाबियां नूं शक दी निगाह नाल देख रहे ने विरोध करना पड़ा सानूं जिथे किसानी की गल करते हैं किसानी की आड़ दे विच इह सानूं सबक सिखाउणा चाहुंदे इह सब आ गए राजस्थान भी आ गया उन्हीं जाके वेखो राजस्थान दे उत्ते 250 किलोमीटर तक दे बॉर्डर दे लागे कोई पिंड नहीं उत्थे कोई जानवर नहीं कोई चिड़ी कां नहीं उत्थे ते 300 किलोमीटर कर दो ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੋਮੈਨ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਲਾ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੀਰ ਸਵਰਕਰ ਵਰਗੇ ਬਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1978 'ਚ जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई की बनी सब तो पहले उन्हें आकर 16 किलोमीटर की पट्टी खत्म की अज पंजाब दे विच फिर उही चीज़ लिया के पंजाब नूं खत्म करना चाहते बाजवा साहब मैनूं स्टेज तो बोलना तो नहीं चाहिए पर अज मैं कैप्टन साहब की स्टेटमेंट पढ़ के मैं दुख जरूर होया उन्हें आख्या कि
नैशनल जी इंटैग्रिटी की गल करनी चाहिए। मैं उन्हें पूछना चाहना कि जबन साहब तुम 65 की लड़ाई लड़ी सी, मैं 65 की लड़ाई देखी है, जिन्हें तुम बैठे 65 की लड़ाई देखी है, तुम्हें याद होना उठो डेरा बाबा नानक तो उठ के सारे रात अलीवाल पहुंचे, सारे पिंड उठ गए थे। और बाद झप्पड़ की लड़ाई वाले साड़िया फौजा इंडिया पगड़ियां हो गया सी, एक बंदा भी डेरा बाबा नानक तो लैके इतों तक एक पार्टी सरकार नहीं हुआ। तो अज एक जाग है कि बॉर्डर के उत्ते असं जो लड़ी कर लेंगे जाके उन्होंने तलाशी लगा, तो मैं BSF को पूछना चाहूँगा कि जी तलाशी लैनी है वो जाके खड़े हो, तारा के उत्ते जिते लाइट लगी जा रही और तारा वेखो जितों हर रोज़ असला आता, वो तारा वेखो जितों हर रोज़ नशा निकलता, फिर कितने पंजाब की गल करो। साड़ी पंजाब पुलिस जिदे उत्ते शक करदे, मैं कहना चाहुंदा इन्हां नूं पंजाब पुलिस ने साडे पंजाबियां ने जिहड़ा अतवाद खत्म किया, किसी देश में नहीं पूरे से खत्म होया, साडे पंजाब पुलिस ने साडे पंजाबी ने वो अतवाद खत्म करता साडी देशभगती। जे असीं बॉर्डर दे उत्ते बैठे हाँ तो असीं अपने बॉर्डर की हिफाजत करके बैठे हाँ, असीं अपने हिक्कां ताण के उत्ते बैठे हाँ। जे नौजवानी की कोई हुदे उत्ते शहादत हुंदी आ ते अज किहदी फोटो आउंदी आ, जे कल उत्ते पुलिस दे विच होया चार साढ़े सिख पंजाबियों की उत्थे शहादत हुई है, तो अभी मोदी साहब कि मैं कोई खड़ा सा शहादत करा दी, अजे भी शक के घेरे से तो भराओ बाजो साहब मुबारक। अगला फंक्शन भी एक कभी नहीं जो पछ मेरे सरपंच गुस्सा ना करे, जेडे सरपंच के घर भी चले गए वह भी बिना करते हो। मैं बड़ा विस्तारपूर्वक पहला बोलदा दस दिता कि 1971 के 16 किलोमीटर की पट्टी बनी सी, उस वे जी पट्टी बनाई गई सी ये लोगों की वेलफेयर लिए बनाई गई सी, क्योंकि 16 किलोमीटर तक तोप के गोले आए थे, तो इंदिरा गांधी ने उस वे किया कि जितों तक तोप के गोलों की शैलिंग गई उतों तक लोगों को वसाने लिए उन्होंने वक् वक् तरीके दे नाल ते उन्होंने कंपनसेट किया गया, उन्होंने राह दी गई, उन्होंने पैसे दिए गए कि तुम पंजाब उजड़े ना बॉर्डर उजड़े ना, उन्होंने लिया के वसाया गया। तो उस वे सब तो वह जी कोई राशि वंडी गई पूरे हिंदुस्तान क्योंकि उस तो पंजाब की सी, क्योंकि पंजाब के सब तो वह लोग जोड़े से पिंड नेड़े नेड़े रेंगे जी। गुजरात की जो उतों की राजस्थान की गल करिए उस टाइम भी मेरा ख्याल 0% उत्थे राहत वंडी गई, क्योंकि उत्थे ना कोई पिंड से ना कोई जानवर से ना कोई घर से ना कोई पानी का साधन से। तो आ जी अज इन्होंने कल जी नोटिफिकेशन की ये तो मैं बड़ा अफसोस होया कि साड़ी देशभगती के उत्ते उन्होंने शक किया जिहड़ी 50 किलोमीटर तक ये कहना कि किसी भी घर से जा सकते हैं, किसी नूं अरैसट कर सकते हैं, किसी नूं सर्च कर सकते हैं, ये एक किस्म की अनअलानी एमरजेंसी पंजाब दे विच उन्होंने शुरू कर दी है, और सीधी पंजाब के जिहड़े स्ट्रक्चरल जिहड़ा साडा ढांचा उहदे विच इन्होंने दखलअंदाजी की जो कि कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैंने कैप्टन साहब की मैं उन्होंने बयान पढ़िया, उन्होंने ट्वीट भी पढ़िया कि मैं कैप्टन साहब पूछना चाहता कि मेरा ख्याल है कि पिछले जिहड़ा प्रधानमंत्री साहब न मिलकर आए जां अमित शाह जी मिलकर आए हैं, मैंने इन्हों की पता नहीं लगा ये जी गल कर रही थी इन्हों के नाल असी कैबिनेट से बैठे होंगे सी, कैबिनेट की गल करी थी, कभी भी इन्हें यहोजी गल नहीं सी की। मेरा ख्याल कि हारन तो बाद उन्होंने जो डिमोरलाइज हो गए नहीं उन्होंने मन च की है ये बारे मैं नहीं कह सकता, और एडा जे हमेशा ही उन्हें कहा कि मैं एक सच्चा सिपाही तो मैं लड़ाई लड़ता रहा, ये एक सच्चा देश भगत यही गल की कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं तुम्हें कह रहा कि नैक्सिस बड़ा जबरदस्त है, ये सूँ नैक्सिस तोड़ना पैना, और मैं जो कुछ देखा ज किया जो फाइल देखिया ने पोलिटिकल और नारकोटिक्स का और पुलिस का नैक्सिस सानू तोड़ के लोग करे, और बहुत जल्दी मैं तुहाडे सामने इहदा एक्शन भी लड़ दिया। गवर्नमेंट की कोई गल पुछनी हो मेरा गल जाखड़ साहब ने जिहड़ा बयान दिता उहदे च मुख्यमंत्री साहब ने मैं भी उस चीज़ पर स्टैंड करदा कि मुख्यमंत्री साढ़े चन्नी साहब ने यह कहा कि बॉर्डर नूं जिहड़ा मजबूत किया जाए, मैं भी कहना कि जिथे साड़ी कंडेदार तार है उत्थे BSF नूं मजबूत करना चाहिए, और उत्थे कोई भी जिहड़ी आ इंटरनेशनल गतिविधि उन्होंने नहीं चलन देना चाहिए। मेरा ख्याल जाखड़ साहब ने उस चीज़ को गलत समझ लिया,
अज भी चन्नी साहब का उही स्टैंड है कि बॉर्डर के उत्ते तुम मेरे नाल जाते रहे हो मिनिस्टर होंगे तुम चंदू बडाले मेरे नाल गए थे ना तो कोई कैमरा जान दिता ना ही मेरा सिक्योरिटी गार्ड जान उत्थे तो पहले बी एस एफ का कब्जा उन्होंने तो जो मिनिस्टर के नाल उसकी सिक्योरिटी नहीं जा सकती उसका कैमरा नहीं जा ईवन मेरा मोबाइल भी उन्होंने उत्थे जमा करवा रहे थे बार तो इकट्ठे सके तो इन्नी सख्ती होने के बावजूद उतों क्यों ड्रोन आ रहे हैं क्यों उतों असला आ रहा क्यों उतों नशा आ रहा ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। मैं कहता पंजाब ये अनअलानी एमरजेंसी ला के पंजाब ये डिक्टेटरशिप करनी चाहती है ये जो किसान अंदोलन है मैं वो नहीं जोड़ना चाहता पर मैनू एप्रीएशन ये है कि किसान अंदोलन की आड़ से पंजाबियों सब इस दे नाल ही सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे इस फैसले दे हक च कीते ट्वीट ते इतराज जताया। उन्हां कहा कि पहला मुख्यमंत्री हुंदे कदे ही अमरिंदर सिंह ने अजिही मंग नहीं कीती पर हुण मुख्यमंत्री तो बाद ओह केंद्रीय मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात कर रहे ने। गुरप्रीत चावला दी रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सीधी गलबात ते जाणो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ये प्रोग्राम जरूर देखण ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बनन। देखणा ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान ऐतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते।